जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे सोसाइटी के पैरामीटर्स में फिट होने के चक्कर में और सोसाइटी की नज़रों में सक्सेसफुल साबित होने के लिए हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें लाइफ में 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होने देते। आज हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे। हमें समझना चाहिए कि सोसाइटी ने जो सक्सेस डिफाइन की है वो और हमारी सक्सेस अलग हो सकती है। जो रास्ता हमें लगता है कि हमें सक्सेस और सेटिस्फेक्शन देगा वो रास्ता हमें चुनना होगा। इसके लिए बहुत हिम्मत लगेगी क्योंकि ये आसान नहीं होगा, बहुत प्रेशर होगा। हो सकता है कि लोगों की बातें भी सुननी पड़े। थोड़ी देर के लिए आपको अनसक्सेसफुल भी डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन जब भी हम हमारी नज़रों में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उस वक्त हमारे लिए ये सब वर्थ होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल खुद रमन है। देखिए, मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मुझे यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तब मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं योग की स्टडी करूँगी और एक योग थेरेपिस्ट बनूँगी। शुरुआत में ये डिसीजन ईजी नहीं था, बहुत सारी ऑपोजिशन सहनी पड़ी, बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि ये गलत डिसीजन है, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सेटिस्फैक्शन था कि मैं अपने लिए एक सही रास्ता चुन रही हूँ। और आज देख लीजिए, मुझे 6 साल हो गए हैं अपना योग थेरेपी सेंटर शुरू किए हुए। आज मैं अपनी जर्नी से खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि ये रास्ता मुश्किल है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन अपने ड्रीम्स पे चलने पे है वो कहीं नहीं है। हम बस ये कन्वे करना चाहते हैं कि कोई भी हमें सक्सेसफुल समझे या ना समझे, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें खुशी मिल रही है, हम सेटिस्फाइड है, तो हम सही मायनों में सक्सेसफुल है। तो क्या कहते हैं, नहीं होगा? ट्राई तो करो, हो जाएगा।